नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे तबलीगी जमात कोरोना फैक्ट्री की। जी हाँ, क्या तबलीगी समाज एक कोरोना फैक्ट्री बन गया है? पूरे देश में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और उस इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के महाराष्ट्र तक, तमाम जगह की ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर जमात के तबलीगी जमात के लोगों ने प्रचार प्रसार में काफ़ी अहम योगदान दिया है। किस चीज़ के प्रचार प्रसार में? वो है कोरोना के प्रचार प्रसार में। प्रसार की अगर हम बात करें तो कोरोना के प्रसार में काफ़ी अहम योगदान दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इनको रोका कैसे जाए। बात यह कि इंदौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भीड़ ने दौड़ा दिया लोगों को। इन जाहिलों का क्या किया जाए? जहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए गए थे, उनकी जाँच करने के लिए गए थे, पूरी भीड़ ने उनको दौड़ा दिया। राहत इंदौरी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि इंदौर इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता था। हालांकि, और देखिए, वही दोनों डॉक्टर एक बार फिर से उसी जगह पर गए जहां से उनको दौड़ाया गया था और उसकी पेशेंट की दोबारा से जांच की। इसकी तारीफ शबाना आज़मी ने भी की। उधर हम दिल्ली की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, तो वहां तबलीगी समाज के लोगों को जहाँ पर क्वारंटाइन में रखा गया था और नर्स उनकी सेवा में लगाई गई थी, उन्होंने नर्सों से अभद्रता करना शुरू कर दिया, अश्लील मैसेज देने शुरू कर दिए। और इतना सब करने के बाद दिल्ली की और बात करें, जब उनको ले जा रहा था, डॉक्टरों पर थूकना शुरू कर दिया। ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहता है, तबलीगी समाज आखिर करना क्या चाहता है, किस ओर जाना चाहता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और हम आपसे उनका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले जमात ने देश में बढ़ाया कोरोना संकट, फिर अस्पताल में नर्सों के साथ की बदसलूकी की, ना इंसानियत की चिंता और ना कानून का डर। देश में मरकज से हुआ कोरोना का विस्फोट, मरकज की तबलीगी जमात कोरोना की फैक्ट्री। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल कई लोगों ने कोरोना की पुष्टि के बाद से ही चारों तरफ हड़कंप मचा है। मरकज में शामिल तबलीगी जमात ने पहले पूरे देश में कोरोना संकट बढ़ाया, अब आइसोलेशन वार्ड में तबलीगी जमात ने बेशर्मी और बेहूदगी पर उतर आया है। गाजियाबाद में नर्सों के साथ ही अभद्रता, जमात की जाहिलियत की कहानी बयां कर रही है। गाजियाबाद के MMG अस्पताल की नर्सों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर जमातियों पर अश्लील हरकत करने, गंदे गाने गाने और परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शहर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जब ये मामला गाजियाबाद DM तक पहुंचा, तो सभी जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए। नर्सों ने जो आरोप लगाए हैं उसको सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। रहनुमा बनकर कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली नर्सों के साथ जमाती कैसी कैसी बेशर्म हरकतें कर रहे हैं, शिकायती चिट्ठी इस बात की गवाह है। यूपी की योगी सरकार ने ऐसे बेशर्मों को अब सबक सिखाने की ठान ली है। CM ने 6 जमातियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साफ कर दिया है कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून की ताकत क्या होती है, इस बात का एहसास कराया जाएगा। घटना की निंदा करते हुए CM योगी ने ऐसे लोगों को मानवता का दुश्मन बताया है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटना ने प्रशासन को हिला कर रख दिया है। योगी ने साफ किया कि ये ना कानून को मानेंगे न व्यवस्था को, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। नए आदेश के मुताबिक तबलीगी जमात के लोगों की चिकित्सा और सुरक्षा में महिला स्वास्थ्य कर्मी और महिला पुलिस कर्मी की जगह सिर्फ पुलिस कर्मचारी ही ड्यूटी करेंगे। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान UP समेत देश के कई हिस्सों में पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 4 दिनों की बात करें तो
अलग अलग शहरों में हिंसा की करीब 8 घटनाएं सामने आई। इंदौर में भीड़ ने डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में तबलीगी जमात के लोगों का पता लगाने गई टीम पर हमला हुआ। हैदराबाद में कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों का डॉक्टर पर हमला। कर्नाटक में क्वारंटीन में घर से निकले शख्स से सवाल पूछने पर पुलिस पर हमला। दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों का डॉक्टरों पर थूकना। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ता पर जमात से जुड़े लोगों का हमला। जैसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भारत के डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल को एक नई तरह की चुनौती से दोचार होना पड़ रहा है। इंदौर में मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी की घटना पर मशहूर शायर राहत इंदौरी भी शर्मिंदा हैं। राहत इंदौरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सारे मुल्क के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई। राहत इंदौरी ने वीडियो जारी करते हुए घटना को इंदौर के मिजाज से उलट बताया। सिर्फ राहत इंदौरी ही नहीं, शबाना आजमी ने भी घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया और डॉक्टरों को रियल हीरो बताते हुए रोल मॉडल बताया। राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई। तबलीगी जमात ने अपनी नाजायज हरकतों से न सिर्फ देश को नए संकट में उलझा दिया है, बल्कि इस्लाम को मानने वालों के सिर भी शर्म से झुका दिए हैं। नर्सों के साथ भी बदसुलूकी तबलीगी जमात की सोच और मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। मरकज की तबलीगी जमात कोरोना की फैक्ट्री बन चुकी है, जिससे रोज नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तबलीगी जमात नासूर बन गया है देश के लिए, क्योंकि वो एक कोरोना बम बनने पर उतारू है और कोरोना बम बन के दूसरों विस्फोट करने की स्थिति में लाना चाहता है, जिससे कि देश पूरी तरीके से इससे घिर जाए और मुश्किलों के दौर से निकले। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। फिलवक्त हमारे पास दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वागत है आपका आकाश जी। और फोन लाइन से हमारे साथ राजीव द्विवेदी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है राजीव द्विवेदी जी। जी 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 नमस्कार साहब, नमस्कार। आकाश जी का रुख करते हैं। आकाश, जिस तरह से ये तबलीगी जमात पूरे देश में कोरोना बम बन के टहल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, जो तस्वीरें हम लोग कल से देख रहे हैं और जो घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं, जो बातें पूरे देश में आज चल रही है, ये पूरी जमात एक जाहिल जमात है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी सोच बिल्कुल तालिबानी सोच है। जो डॉक्टर और जो पुलिस अफसर इस संकट की घड़ी में अपने जान की परवाह किए बिना सबकी सेवा करने में लगे हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। आप देखिए कि गाजियाबाद में जो इनका इलाज कर रही है नर्सें, उनके साथ ये लोग अश्लीलता करते हैं, नंगे घूम रहे हैं। और बहुत सारे जिलों में, मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे बता रहा हूँ, ऐसी घटना आई है कि ये लोग वहाँ पे जाते हैं और चुपचाप, अभी मैं मऊ का रहने वाला हूँ, मऊ में लगभग 130-135 लोगों पे FIR इसलिए सिर्फ दर्ज की गई है क्योंकि इन लोगों ने छुपाया कि ये लोग निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौट के आए थे। पूरे देश को इन लोगों ने एक ऐसे संकट में झोंक दिया है जिससे आज पूरा देश उलझा हुआ है। हमारी सरकार, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में हम जीत के वापस आएं, ये लोग उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा प्रदीप जी, कि जितने लोग ये हैं, इन लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि ये लोग जीवन भर याद रखेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे ये लोग कभी। ठीक है, राजीव द्विवेदी जी क्या कहेंगे आप इस तबलीगी जमात को लेकर के कोरोना बंद? जी मैं इतना ही कहूंगा प्रदीप जी इस चैनल के माध्यम से कि ये समय ठीक बात है, तबलीगी जमात ने गड़बड़ किया है, तो उसमें जो लोग दोषी हैं, मेरा भी बिल्कुल अनुरोध है कि उनको ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये समय देश की अखंडता का सवाल है, लोगों की जानमाल का सवाल है, 130 करोड़ भारतीयों का सवाल है। लेकिन उसमें हमारे कुछ राजनीतिक दल पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों पे क्वेश्चन खड़ा कर रखे हैं,
उनको गलत गलत बता रहे हैं, पूरी जमात को ही गलत बता रहे हैं। तो मेरा विरोध ये है कि जो लोगों ने गलत किया है उनको आप दोषी ठहराएं। सारी धर्म के एक अगर 500 आदमियों ने गलत किया है, धर्म गुरुओं ने किया है, तो उनको जेल भेजें, किसी को आपत्ति नहीं है। परंतु पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना, सबको वो करना, ये बहुत ही मैं इसकी निंदा करता हूं। और ऐसे कोरोना महामारी जिस समय व्याप्त है उस समय ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो है मतलब इसको हम लोग राजनीति ना करके सारे लोग एक होकर एकजुट करके कोरोना से महामारी से निपटे। इसमें सारे दल के लोग सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में है, जो वर्तमान में सरकार है उसके साथ में है, और इसमें कतई राजनीति की बात नहीं है। जी आकाश जी क्या कहेंगे? प्रदीप जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि सारी जमात को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आखिर कौन खड़ा कर रहा है कटघरे में? अगर इस प्रकार की हरकतें इन लोगों ने नहीं की होती तो कैसे ये लोग कटघरे में आ जाते? कभी कभी अभी कुछ महीनों पहले ये कहते थे कि ये डरी हुई कौम है, ये भारत में इंटॉलरेंस है, इनकी लिंचिंग की जा रही है। और आज स्थिति ये है कि जो हमारे लिए भगवान के रूप में उतर के जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल ऑफिसर्स और जो भी पुलिस के लोग इनकी सुरक्षा के लिए, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो काम कर रहे हैं उन पे ये पत्थर चला रहे हैं, तो आखिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से कि कटघरे में कौन खड़ा कर रहा है? भारत के लोग खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े कर रहे हैं कि ये तबलीगी जमात के लोगों के कृत्य की वजह से ये लोग कटघरे में खड़ा हो रहे हैं? मैंने आकाश जी शुरू में बोला कि जितने भी लोग इसमें वांछित हैं, जिन लोगों ने गलत किया है, जो लोग हैं कतई विरोध नहीं है, उनके ऊपर सरकार जो चाहे कार्रवाई कर सकती है, सारी बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों के कारण अगर पूरे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो ये गलत बात है। मेरा विरोध ये है, तबलीगी जमात के जितने भी लोग हैं उनको आप, जिन लोगों दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, सजाए मौत की सजा दें। मैं तो मांग करूंगा कि सार्वजनिक फांसी पे लटकाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों पे उंगली उठाएं। हम सब लोग भारत के मुसलमानों पे ये कहें कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान खराब है, भारत का मुसलमान गद्दार है, गंदा है, इनको कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा विरोध केवल इतना है, हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये गंदी हरकतें कर रहे हैं उनको सार्वजनिक जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे, हम उसके साथ में है। आकाश जी उनका सीधा सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की नापाक हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ना, आप NSA लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और भी कड़ी सजा देना चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी कौम को तो बदनाम नहीं किया जा सकता ना। पूरी कौम को कौन बदनाम कर रहा है? लेकिन सोशल मीडिया आप उठा के देखिए प्रदीप जी, आप सोशल मीडिया कभी भी उठा के देखिए, उसमें टिकटॉक पे ऐसे ऐसे वीडियो कौन लोग डाल रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुरान से निकला है, कोरोना को अल्लाह ने भेज दिया है, CAA और NRC के चलते ये कोरोना आया है, और अब ऊपर वाला तय करेगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस प्रकार की जाहिल पने वाली बातें कौन लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, हमारा तो पहला मोटो यही है कि किसी भी तरीके से हम इस कोरोना नामक जो महामारी कोरोना की वजह से फैल रही है उसको हम रोकें। हम तो ये चाहते हैं, हम क्यों किसी को बदनाम करना चाहें। लेकिन अगर इस प्रकार की बातें होंगी, इस प्रकार की जाहिलपने, ये लोग जाहिलपने की बातें करेंगे, ये कोरोना कुरान से निकला है, ये सीए और एनआरसी के लिए आया है, अल्लाह ने भेजा है, इस प्रकार की अगर बातें होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, आम जनमानस के मन में ये सवाल आ जाए कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग इस्लाम को और मुसलमानों को तो बदनाम कर ही रहे हैं, ये पूरे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए आम जनमानस की अगर आप बात कर रहे हैं तो तमाम मुस्लिम धर्म गुरु भी इससे शर्मिंदगी उठा रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने समाज से अपील की है। केवल सोशल मीडिया पे आपको जो मुस्लिम लोगों के विरोध की पोस्टें हैं अगर आप वही देखेंगे तो हमारा ये देश सभी धर्म जाति संप्रदाय को लेकर चलने वाला देश है तो कैसे काम चलेगा ये कोरोना महामारी में। अगर हाँ ठीक है उन लोगों ने गलती की है, वो लोग अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं, उनको समाज से मतलब नहीं है, तो उनका एक सामाजिक दायरा सीमित कर दिया जाए, उनको समाज से बेदखल कर दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आम जनमानस बोल रहा है,
आम जनमानस तो जो मीडिया दिखाएगा वही देखेगा, आम जनमानस तो जो सोशल मीडिया पे आईटी सेक्टर किसका मजबूत है, आईटी सेल किसका मजबूत है, जो वर्तमान सरकार है। आप लोग अगर समाज में इस कोरोना महामारी में जहर व्याप्त करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि जितने भी समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैंने तो पूरा मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि धर्मगुरु आए, धर्मगुरु आके आने के बाद धर्मगुरुओं से मैंने अपील की है, हमारी पार्टी ने अपील की है कि आप सब लोग आगे आए और अपने समाज के लोगों को समझाएं कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको कली से कली सजा दी जाए, ताकि एक हम लोगों के अंदर सभी जाति धर्म संप्रदाय के मन में जो एक वहम पैदा हो गया है वो ना पैदा हो। ठीक है, हम लोग कोरोना महामारी तो आ जाई है, राजी लेकिन जी, हम लोगों को जब से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। हम लोगों की विचारधारा ठीक है, अपने धर्म की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहां पर एक पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना महामारी का व्याप्त है तो वहां हम सब लोगों को एक साथ ही मिलकर लड़ना होगा। ठीक है राजीव जी, एक मिनट, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। जगदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं, जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, स्वागत है जगदेव सिंह जी आपका। आप क्या कहेंगे जिस तरह से तबलीगी जमात पूरे देश में कोरोना बम बन के घूम रहा है, क्या कहेंगे आप उसको? ये निहायत गलत काम है, राजसित का नहीं है, ये तो देशद्रोह का मामला बनता है, और किसी को भी इस महामारी के साथ जनता के साथ इस तरह काम करने का अधिकार नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये राजसित का मामला है, महामारी फैली उसमें सहयोग करना चाहिए, अगर इसको फैलाने काम करते हैं तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। जनजीवन के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म जात का मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। नहीं, यूपी सरकार ने एनएसए लगाने की तैयारी कर ली है, 6 लोगों पर एनएसए लगा भी रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? नहीं, जो भी आवश्यक कदम हो, जो कानूनी दायरे में रहकर राष्ट्रहित में इस महामारी को रोकने के लिए जो भी इसका उल्लंघन करता है, जो सहयोग नहीं करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक नसीहत भी होनी चाहिए ताकि लोग इस तरह की हरकत ना कर सके। आज कहा कि हमारी लगातार संख्या बढ़ रही है, ये दिल्ली के बाद लगातार सब जगह जो फैल गए सारे जगह संख्या हमारी बढ़ गई, लोगों में दहशत व्याप्त हो गया, भय व्याप्त हो गया। ये जीवन का सवाल है, ये इसके साथ खिलवाड़ करने किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो जीवन जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हो, किसी आज धर्म और जात की बात नहीं है, कोई मजहब की बात है, बिल्कुल राजनीति की बात है। आकाश जी, ये इसको धर्म और किसी उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, सारे उनका कहना है, क्योंकि एक ही धर्म नहीं है, बाकी के लोग भी, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो कोरोना फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। नहीं, इन्होंने आरोप लगाया तो बताएं कौन लोग ऐसे हैं जो इनके अलावा जो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने जो बातें कही उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये अपने नेता, इनके आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव जी, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है, एक बहकावा है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मैं उनको गले लगाना चाहता हूं, उसका खंडन अभी तक इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा इनके एक नेता हैं आजमगढ़ के ही आईपी सिंह, जो इनके प्रवक्ता भी थे, उन्होंने जब 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा किया गया तो उन्होंने कहा कि ये 21 दिन नर्क के समान होगा। आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता का संदेश समाजवादी पार्टी के लोग देना चाहते हैं? चैनल पे आके ये कुछ और बात करते हैं, इनके बड़े नेता कुछ और बयानबाजी करते हैं, अखिलेश यादव जी सिर्फ ट्विटर पे और फेसबुक पे सक्रिय दिखते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि और लोग फैला रहे हैं। आखिर जो लोग फैला रहे हैं उनको बताइए तो, हम लोग तो कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया है और एक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी जगदेव जी, देखिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने, किसी भी नेता ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। किसी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो किसी पार्टी से मिल सकता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस को हो, अगर अगर रमाकांत यादव जी का या आईपी सिंह ने जो पोस्टर लगवाया, अगर वो व्यक्तिगत बयान थे तो उसका खंडन क्यों नहीं किया अखिलेश यादव जी ने? सारा देश एक साथ है, उसमें कार्रवाई करने को जोर नहीं करता है, किसी व्यक्तिगत विचार का खंडन और उसका समर्थन करने का सवाल ही नहीं पता होता है।
किसी ने समर्थन किया क्या उनका? खंडन नहीं किया, समर्थन नहीं किया किसी ने, समर्थन तो किसी ने किया। अच्छा, आपके नेता कुछ भी बोलेंगे, आप अपनी बात रख कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, आप लोग कंफ्यूजन फैलाएंगे, उसके बाद कह देंगे उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसे कैसे चलेगा? सारे देश में एक भय व्याप्त है, भय का वातावरण है, जो एक भ्रम का वातावरण है, इन सब सारी स्थितियों में जो राष्ट्रहित में कदम उठाएगा, जनता उसके साथ करेगा और विपक्ष उसका साथ देगा। राजनीति किसी को नहीं करने की नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी धर्म जात का हो, किसी पार्टी का हो, ये राष्ट्रहित में सबको एकजुट होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए, और जो उसको विरोध में जाएगा जनता खुद ही उसको समझ रही, कोई भी हो। आकाश राय जी, गलत बात करते हैं, हमने किसी समर्थन तो नहीं किया जी। आकाश राय जी, सवाल ये है, जो सवाल अभी आ रहे हैं सामने, रामनवमी के दिन वेस्ट बंगाल में लंबी लंबी लाइनें देखी गई मंदिर के सामने, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जलसा निकाला गया, खबरें चल रही हैं और वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो ऐसे में सवाल क्या सिर्फ एक ही वर्ग पर खड़ा करना उचित होगा? यही तो सवाल है, अभी 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 हरिद्वार में बिल्कुल नहीं, मेरा साफ मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी गैदरिंग कर रहा है बेवजह भीड़ जुटा के और भी इस प्रकार के कार्य कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों पे कार्यवाही होनी चाहिए, वो कोई हो, सिर्फ एक जमात या एक धर्म की बात नहीं है, इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं आती है जी। ये इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी, ये महामारी पूरी मानवता पे संकट है, ये किसी जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, इस चीज को समझना होगा, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इसको धर्म की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की बातें ये लोग करें। आप कहेंगे कि कोरोना जो है सीएए और एनआरसी के विरोध में है, ये किस प्रकार की जाहिलियत की बातें हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता लोग उसका समर्थन करते हैं और टीवी चैनल पे आके कुछ और ही आलाप बोलते हैं, कौन समर्थन करता है? ये लोग आम जनमानस को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है। कौन आकाश राय जी, सवाल पूछ रहे, कौन समर्थन कर रहा है? अगर रामकांत यादव का समर्थन किसने किया? इनके समर्थन किया, उनके पक्ष में किसी ने बयान दिया? मैं अगर समर्थन इन्होंने नहीं किया तो उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई किया, उनके बयान का खंडन किया क्या इन्होंने? आईपी सिंह ने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, उसका भी खंडन नहीं किया इन्होंने? अगर इन्होंने समर्थन नहीं किया तो खंडन भी नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मूक सहमति इन्होंने दिया है उनको। सर सहयोग कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे कहा है कि करोड़ दिया, खुद इतना पैसा दिया, सारे उसमें लोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। अभी प्रदीप जी, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, इनके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू हाशमी, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यवाही तबलीगी जमात के लोगों पे हो रही है वो गलत है। आखिर कैसे ये गलत है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बताएं कि तबलीगी जमात के लोगों ने जो जाहिलियत दिखाई है उस पे अगर कार्यवाही की जा रही है तो वो कैसे गलत है? अबू हाशमी ने कैसे कहा कि ये गलत हो रहा है? जी जगदेव जी, ये जो आपके अबू हाशमी साहब कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि जो तबलीगी समाज पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, इसका आप समर्थन कर रहे हैं कि खंडन करते हैं? देखिए, जो अबू हाशमी जी ने कहा है वो अपनी जगह दूसरी स्थिति है। मैं एक कल भी मैंने आपसे बताया था कि जो शासन को कार्रवाई करनी चाहिए, समय देना चाहिए, नहीं दिया। 500 मीटर से बगल में दूरी पे थाना है, सब मालूम था, इससे कार्रवाई होने दी। फिर आप कहेंगे राजनीति बात करते हो, साइन बाद 3 महीने बाद कार्रवाई की, ये केंद्र सरकार के हाथ में है, थाना पुलिस वहां प्रशासन, उनको जिम्मेदारी से भाना चाहिए, क्यों नहीं किया? अब लाखों आदमी पैदल गया, बच्चे गए, सब 5-5, 7-7 किलोमीटर चल गए, आपने लॉकडाउन कर दिया, 12 बजे रात से नोटबंदी करे, समय देना चाहिए, निकलने मौका देना चाहिए, रेलवे चलाना चाहिए, बसें चलानी चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, उस तरह की बात की जा रही है, समय तो देना चाहिए था। ये जिम्मेदारी के शासन की नहीं थी, जो शासन ने गलती की है लोगों को ला करके 12 बजे बाहर नोटबंदी, वो गलत नहीं था क्या? लाखों आदमी गया, मजदूर गया, हर प्रदेश के लोग गए, वो गलत नहीं था क्या? समय नहीं लेना चाहिए था इनका, इनको बच्चा और रेलवे नहीं चलाना चाहिए, शासन सत्ता को नहीं करना चाहिए, और बगल में नाक के बगल में थाना नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? समय से आप कार्रवाई नहीं करते हैं और बाद में उसको इशू पैदा करते हैं, किसी पार्टी बदनाम करने की बात करते हैं, मजाक बदनाम करने की बात करते हैं, इसलिए गलत है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से अपने बात लोग कह रहे हैं, विधायक बात कह रहे हैं,
चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे तारुफ करा देते हैं। इरफान साहब, इरफान मलिक जुड़ गए हमारे साथ में, प्रसपा के प्रवक्ता है। स्वागत है इरफान मलिक आपका, और आपकी भी राय जानना चाहेंगे। जो तबलीगी जमात कोरोना की फैक्ट्री बन रहा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि तबलीगी जमात के जो लोगों ने जो दिल्ली में हुआ वो एक बेहद दुखद है, लेकिन सवाल यह है कि उसी बिल्डिंग के बगल में, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वहां पे दिल्ली पुलिस डीएसपी, वहां के दिल्ली के एलआईयू की ऑफिस, उन्हीं के जस्ट बगल में वो लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं समय से पहले पूर्व मार्कस को खाली करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्यों ऐसी स्थिति पैदा होने दी? और उसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, एलआईयू की ऑफिस है, वहां पे क्या नाम है उनका थाना है, वहीं पे डीएसपी रहते हैं, वही सारे लोग हैं निजामुद्दीन पे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आएंगे वापस, जवाब लेंगे आकाश राज जी से, इसका जवाब लेंगे कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़ी बात यह, इसका जवाब लेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर तबलीगी जमात के बारे में इतनी खराब रिपोर्ट क्यों आ रही है? कहीं वो थूक रहे हैं, कहीं वो पुलिस को दौड़ा दे रहे हैं, कहीं पुलिस पर वो कुछ एक्शन ले रहे हैं, और जहां मर्जी आ रहा कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि कोरोना से ही सब चीज़ ठीक होगा कोरोना, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में आइए, अगर यहां पर मौत होती है कोरोना से तो इससे शानदार मौत कोई हो ही नहीं सकती है। जब देश पूरी समस्या से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह की बात करना कितना उचित है, इस पर ही बात करेंगे। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Literal Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literal Z School, Mundao. Milega har samasya ka samadhan, vivah mein badha, jeevan mein vastu shastra ka prabhav, shiksha mein grah nakshatron ka prabhav, karobar mein aane wali har badha ka, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आकाश का रुख करेंगे। आकाश राय जी, सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आखिर सवाल ये उठता, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने तो शानदार काम किया, कायदे के एनएसए लगाया जाएगा, 6 लोगों पर एनएसए लगाया भी जा रहा है, तो बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक एक व्यक्ति पे, एक एक व्यक्ति पे जिसने भी गलतियां की हैं, और जो लोग गाजियाबाद के अस्पताल में नर्सों के साथ जाहिलियत दिखा रहे हैं उनमें से किसी एक को नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रदीप जी, मैं आज की घटना आपको कन्नौज की मैं बताता हूँ। कन्नौज में इकट्ठा होके नमाज अदा की जा रही थी, पुलिस ने वहां पे रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें एक दरोगा, एक सिपाही और एक एलआईयू का सिपाही भी जो है घायल हुआ है। आखिर ये कौन लोग हैं? और उस पे पुलिस ने कार्रवाई की है, 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आखिर ये जिले दर जिले, चाहे वो पूर्वांचल ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए या दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, हर जगह एक ही जमात के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, उसके बावजूद ये कुछ लोग क्यों अपनी जाहिलियत दिखा रहे हैं? ठीक है, ये किस प्रकार की चीजें हैं कि आप हॉस्पिटल में जो है पैंट उतार के घूमेंगे, आज जो है वापस बीड़ी सिगरेट की मांग करेंगे? अभी एक न्यूज मैंने आज देखा, हिंदुस्तान हिंदी दैनिक में मैंने देखा कि उसमें खाना पहुंचाया जा रहा है इन लोगों को, तो ये कह रहे हैं कि हमें ये खाना नहीं चाहिए, हमें बड़े की बिरयानी चाहिए। ये किस प्रकार की सोच है? आज देश कितनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा प्रदीप जी, बस 10 सेकंड और लूंगा कि जितने भी बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, हर जगह लॉकडाउन और जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने वो लिए जा रहे हैं, सिर्फ भारत के लोगों में ही क्यों समस्या आ रही है? बिल्कुल, राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव द्विवेदी जी, समस्या ये है कि ये वर्ग सुधरता क्यों नहीं है? लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि मस्जिद के सामने से तो ताला लगा हुआ है, लेकिन पीछे से लोग घुस के जमात में नमाज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसको हम लोग एक दूसरे नजरिए से लें। देखिए, यही ये एक अच्छा रहा, मतलब इसको अच्छा या खराब जो भी कहें, कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद ही चीजें बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए कि जो मुस्लिम समाज है उसमें साक्षरता की दर क्या है, पढ़ा लिखा समाज कितना है, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग नौकरी हैं, कितने लोग मतलब एक कुशल मतलब ऑफिसर्स के पद पे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें जो निकल के आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दृष्टिकोण बदलते हुए इस जमात को, इस धर्म के लोगों को जो ये कट्टरपंथिता है, इसको कहीं ना कहीं एक शिक्षित भी करना है। लेकिन जो ये कोरोना महामारी में जो ये लोग प्रशासन का साथ नहीं दे रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं हूँ कि प्रशासन की गाइडलाइन ना सहमत हो, और लेकिन अब ये है कि कुछ लोगों का इससे धर्म से जोड़ के, और मैं जैसा शुरुआत में मैंने बोला था कि लोग राजनीति करने लगे हैं, लोग इसको देखने लगे हैं कि सारे मुस्लिम खराब हैं। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि सारे मुस्लिमों पे एक क्वेश्चन मार्क ना लगा के, एक जो ये जो जज्बाती लोग हैं, जो एकदम कट्टरपंथिता इनके रग में बस गई है कि इनको ये भी नहीं पता है कि अमेरिका और फ्रांस और चाइना और जितने ये विकसित देश हैं, ये जब नहीं निपट पा रहे हैं तो हमारा भारत देश तो कहीं ना कहीं संसाधनों में बहुत पीछे है। तो मेरा यही बस कहने का अनुरोध है कि हम लोगों को इनको शिक्षित करके, इनको एक अच्छी तालीम देके, इनको एक अच्छा, राजीव द्विवेदी जी, इनको शिक्षित कौन करेगा? ये शिक्षित होने के लिए तैयार ही नहीं है। मदरसों में जब इनको साइंस की पढ़ाई कराई जाती है वहाँ इनको परहेज होता है, साइंस की पढ़ाई नहीं करेंगे, मैथ पढ़ेंगे नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, सब ये चाहते हैं कि हमारा आने वाली पीढ़ी शिक्षित रहे, रोजगार बने, सारा कुछ रहे। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम जाहिल गवारों की जिंदगी व्यतीत करें। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग इस दिशा में सही कदम उठाएंगे और इनके जो जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको जब हम लोग आगे लाएंगे, उनको आगे करेंगे, तो ये समाज शिक्षित होगा। और ये जो एक रूप आया है, एक जो ये तरीका आया है कि मुस्लिम समाज जो ये रवैया अख्तियार कर रहा, जो ये गैर जिम्मेदाराना कुछ लोग हैं, इनको सही राह पे लाने का काम हम ही आप लोगों के बीच से लोगों को करना है। अरे लेकिन राजीव द्विवेदी, जब ये समझने को तैयार होंगे तभी तो समझाया जाएगा ना।
जो लोग समझेंगे उन्हीं को समझाया जाएगा। समझने के लिए तैयार होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझने के लिए तैयार होंगे तो इनको इनके सख्त से सख्त, मैं शुरुआत में मैंने बोला है कि जी मुझे जी। इसमें कतई राजनीति नहीं करनी है, और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कहीं अगर ये कहा हो कि ये जो जमात के लोग हैं इन पे कार्रवाई न की जाए, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप बताइए, ठीक है, मेरे चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, इन लोगों ने कभी भी कतई नहीं कहा कि मैं मुस्लिम के ये जो इन लोगों ने जो ये स्थिति उत्पन्न की इनके साथ हूँ। सभी लोगों ने घोर निंदा की है, और इनके जो तमाम जिम्मेदार मुस्लिम नेता हैं उन्होंने भी घोर निंदा की है, लेकिन अभी ये समय ये नहीं है कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब करें। अभी तो मैं सरकार और सबसे यही अनुरोध करूंगा कि इनको अंदर रखें, क्वारंटाइन करें, और उसके बाद समय आने पे इनको उचित दिशा में इन पे कार्रवाई करें। ठीक है, हाँ आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। प्रदीप जी इन्होंने सबसे पहले एक बात की, हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कौम बहुत पिछड़ी हुई है, अनपढ़ है, इनके पास नौकरियां नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों की रहनुमाई कांग्रेस पार्टी ने की, इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आखिर अगर मुसलमानों की ये दशा है तो आखिर क्यों है ये दशा किसने की? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसकी खिलाफत की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले इंटॉलरेंस के नाम पे बहुत सारे लोग खड़े हो गए आवाज वापसी गैंग के रूप में, बहुत सारे लोगों को लगता था कि भारत में डर लग रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर थे, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, क्या उनमें से किसी एक भी व्यक्ति का बयान आया जो ये कहे, जो इस बात का खंडन करे कि तबलीगी जमात के लोगों ने जो किया वो गलत था, इंदौर में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो गलत है, कन्नौज में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ये गलत है, ये लोग आगे क्यों नहीं आते? जो इनका बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इनका सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर वो आगे आके इनको नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? ये आपके आरोप निराधार हैं, और जितने भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की मैं मांग करता हूं, मेरी पार्टी मांग करती है, और इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। ठीक है जगदेश जी, सजा तो दी ही जाएगी, किसी एक को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। मेरी कांग्रेस के किस लीडर ने कहा कि आप कार्रवाई ना करिए? आपको किसने मना किया है? आप खुद कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए। जी आ रहा हूं जगदेव जी आपके पास। जिन लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना चाहते उनको कार्रवाई हो रही है, चाहे वो तबलीगी जमात के जो लोग गाजियाबाद में बैठे वो हो, चाहे इंदौर में जिन्होंने पत्थर चलाए वो हो, सबके ऊपर राशिता लगाया जा रहा है। जमात के लोग गैर जिम्मेदाराना थे। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी बोला है, और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी ने भी बोला है, और जिन लोगों को इन्होंने कोरोना इनके द्वारा फैला है उनके इलाज में सरकार पैसा लगाए, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप करें तो, लेकिन इसमें राजनीति ना की जाए, इसमें सारे मुसलमानों पे क्वेश्चन मार्क ना उठाया जाए, मेरा विरोध सिर्फ इतना है। ठीक है जगदेव सिंह जी, सवाल ये है कि जब लोग मस्जिद के द्वार सामने वाले बंद करके पीछे के द्वार से लगातार एकत्रित हो रहे हैं, देश एक भयानक बीमारी से लड़ रहा है, वायरस से लड़ रहा है, ऐसे में इस तरह के काम करना क्या उचित समझेंगे आप? नहीं कतई नहीं, कतई नहीं। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बातें है, डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, जो बचाव के साधन इसमें है उनको चढ़कर नहीं है, जो भी कानून तोड़ता है सरकार की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, कोई पार्टी समर्थन नहीं करती, लेकिन ये पूरे एक समाज के बदनाम करने की बात, पूरे एक वर्ग विशेष को बदनाम करने की बात, उससे अगर कोई मजहबी बात करे, जगदेव सिंह जी सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही वर्ग के लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, जब और उनके नेता भी, उनके मौलवी भी ये आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर मौत होती है मस्जिद के अंदर तो इससे पवित्र कोई मौत नहीं होगी, इससे पाकीजा कोई मौत नहीं होगी, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए प्रदीप जी, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा का परसेंटेज है वो माइनॉरिटी क्लास में बहुत कम है, नहीं मजहबी ज्ञान जिनको दिया जाता है। अरे उन मौलवियों को क्या कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं,
जिनके आह्वान पर ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। मौलवी तो धर्मांध होते हैं, अनुयायी बनाते हैं जी। हमारे यहाँ संत महात्मा आपने देखिए, बिना पढ़े लिखे लोग कैसे कैसे इलाज करने लगते हैं, कई लोग हिम्मत हो जाती है। तो धर्मांधता के आधार पर किसी धर्म के लोग बात करें तो वो तो गलत है ही है, और शिक्षा का तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन इसको कहीं किसी लेवल पे कोई अच्छा ठहरा रहा है क्या? क्या कोई पार्टी को सपोर्ट कर रही है? हमारा राष्ट्रीय तो कोई सपोर्ट कर रहा है? जो कानून को तोड़ने काम करेगा, जो मजही फैलाएगा, उसके खिलाफ जो विधि प्रक्रिया है अपनाई जाए कि ये कार्रवाई की नहीं जाइए, कोई इसका समर्थन कर रहा है क्या? लेकिन ये देखिए थोड़ा सा जो चीजें हैं इसको ज्यादा इशू बना करके एक मजहबी रंग देने के बाद उम्मीद फैलाने बात नहीं। हमारे यहाँ मंदिर का मामला आया, सबसे ज्यादा कौन लोग गए थे? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग गए थे, पीड़ित लोग गए थे, जो शिक्षा का भाव होते सबसे ज्यादा उसमें आप देख लीजिए। राम मंदिर का सवाल हो तो एक मजहबी उन्माद होता है लोगों में, और वो शिक्षा का भाव होता है, ये हर वर्ग में, हर धर्म में, हर चीज में है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसको गलत कहा जाएगा, सही सही कहा जाएगा। ऐसा अगर कोई मुल्ला मौलवी करता है उसको किसी लेवल पे कोई सही ठहरा नहीं सकता, न कोई उसका समर्थन कर सकता है। जो प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है, सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए। ठीक है इरफान मलिक जी, ये अनपढ़ है, कमजोर, पढ़े लिखे नहीं है, दिक्कत है इनके साथ में, इसलिए ऐसा करें। लेकिन ऐसे कह के बचा नहीं जा सकता ना, लोगों को समझाया, कम से कम मुंह की बात तो समझ में आती है कि इतनी दिक्कत है, आपको दूरी बना के रहना चाहिए। इसने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चंद जाहिल लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, और चंद लोगों की तरह जिसे एक तालाब में एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदी कर देती है, उसी तरह कुछ चंद लोग हैं जो बिल्कुल कतई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब सरकार ने कह दिया बिल्कुल लॉकडाउन, और वो सरकार ने हमारे हित के लिए कहा है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस लॉकडाउन से, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने से हमारा अपना फायदा है। हम तो जाएंगे अपने परिवार के, अपने खानदान के, अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को भी सुरक्षित हम इस तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस बात को अब बताइए, खाने काबा को बंद कर दिया गया, उससे बड़ा मरकज मुसलमानों का कोई नहीं है। मस्जिद नबवी को बंद कर दिया गया था, उससे बड़ा मरकज मुसलमानों का कोई नहीं है। लेकिन इनको समझ में आना चाहिए, चंद लोग बदनाम कर रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज को। बिल्कुल ठीक करें आकाश राय जी, सवाल ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल ठीक करें आकाश राय जी, सवाल ये उठता है, जगदेव जी कह रहे हैं ये जाहिलियत सिर्फ एक ही जगह नहीं है, ये जाहिलियत तो सभी वर्गों में है, जाहिल तो सभी इस कौम में है, हिंदू कौम में भी है, सिख में भी है। सिखों में गुरुद्वारे में देखा आपने 300 लोग जमा एकत्रित हो गए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से असहमत हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि नवरात्रि का त्यौहार, पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार एक बहुत बड़ा त्यौहार है और हर जगह पूरे भव्य तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस बार हिंदुओं ने कन्या पूजन तक नहीं किया, क्योंकि नौ कन्याओं को खिलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस समय नहीं हो पाता। हमने अपने घरों में खुद को कैद किया, हमारे घर में जो एक बेटी बहन जो जितनी थी उसी का हमने पूजन करके हमने कहा नहीं ठीक है, हमने सारे मंदिरों को बंद किया, हम लोग ऐसा कोई नहीं कर रहे। लेकिन आज की डेट में प्रदीप जी, मैं कह लूं जी, आकाश जी, वेस्ट बंगाल में लंबी लंबी लाइनें जी, आज की डेट में भी जी, कल वेस्ट बंगाल में लंबी लंबी लाइनें लगी मंदिरों के सामने, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जलसा हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर के? निश्चित रूप से ये जो लोग भी उसमें शामिल रहे होंगे वो किसी भी जमात के हों, किसी भी धर्म के हों, वो बिल्कुल गलत है। और पश्चिम बंगाल की सरकार को ये देखना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें ना हो, ममता बनर्जी जी को इस बात का ध्यान देना। महाराष्ट्र का मामला तो, महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र में भी मैं वही कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे जी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लॉकडाउन का पालन हो। हम लड़ रहे हैं कोरोना से किसी एक व्यक्ति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लिए नहीं लॉकडाउन किए हैं या अपनी सरकार के लिए, ये पूरी मानवता के लिए है। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, सभी लोग आते हैं। आकाश राय जी, जो सरकारें इसका पालन नहीं करा रही हैं, क्या उनके उन सरकारों के खिलाफ भी कोई कदम उठाया जाएगा? कल
कल जो है प्रधानमंत्री जी ने सारे सारे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की, आज राष्ट्रपति जी ने बात की। प्रतिदिन सरकार तत्पर है, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हों, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हों, जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे समय समय पे उनको नई नई बातें बताई जा रही हैं कि इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को देखिए, जहाँ पे भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे आप सख्त कार्रवाई करिए। बिल्कुल, चलिए इरफान जी, सवाल ये उठता है कि जाहिलियत के दावा और क्या है, जब जो पुलिसकर्मी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपकी रक्षा में लगे हुए हैं, आप उन पर अटैक करते हैं, जो डॉक्टर आपकी चिकित्सा करने जा रहे हैं भीड़ उनको दौड़ा लेती है, जो नर्स उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही है उनके खिलाफ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है पूरे देश में? जी साहब, ये पूरे देश में चंद लोग जी मानवता को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश की एक करोड़ तीस लाख आबादी जो है, 130 लाख आबादी जो है, वो सारे लोग ने, चंद लोग, आप मान लीजिए 200-400 लोग पूरे देश में इस तरह के लोग हैं। नहीं, सवाल ये कि अलग अलग जगह से खबरें आ रही जो ये हरकतें कर रहे हैं। इंदौर की बात करें, जिस तरीके से डॉक्टर को भीड़ ने दौड़ा लिया, क्या कहेंगे उसको आप? राहत इंदौरी जो कि बहुत मशहूर शहर है, उसको लेकर के बहुत ही निराश। राहत साहब का ट्वीट पढ़ा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने राहत साहब का ट्वीट पढ़ा और बहुत ही दुखद है ये सब सारी घटनाएं जी। और आज इस समय में जब डॉक्टर हमको बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, आज हमारे जिले में एक डॉक्टर पूरी रात ड्यूटी कर रहा था, बेचारा जा रहा था गाड़ी से, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पलट गई, झपकी आ गई, डेथ हो गई उस डॉक्टर की, तो उसने तो अपना पूरा परिवार, उसका पूरा परिवार तो सड़क पे आ गया। बिल्कुल, तो आज ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे करना नर्सेज, जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, उनको मैं सलाम करता हूं कि आज वो सेवा देने के लिए तत्पर है, और उनके साथ जो लोग भी ये हरकतें कर रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है राजीव द्विवेदी जी, बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हेलो जी, राजीव द्विवेदी जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, डॉक्टरों पर आक्रमण हो रहा है और नर्सों पर आक्रमण हो रहा है, पुलिस वालों पर आक्रमण हो रहा है, और मतलब जानबूझ करके ये काम किया जा रहा है, तो क्या इसको क्या समझा जाए कि ये डेलिबरेटली सब किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको भी शुरुआत में बोला है कि कहीं ना कहीं जो ये जमात के लोग हैं ये दिग्भ्रमित हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब इनमें कमी है अवेयरनेस की, और अवेयरनेस की कमी के कारण ये किया है लोगों ने। नहीं नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, राजीव, कोई भी इस तरह राजीव द्विवेदी जी, अगर एक पढ़ा अनपढ़ व्यक्ति कुछ गलत करे, जगह हर जगह जमात की ही लोग नहीं है, और भी दूसरे दूसरे लोग हैं। राजीव द्विवेदी जी, अगर अनपढ़ व्यक्ति कुछ गलत करे, ठीक नहीं है, आ रहा हूँ इरफान जी, तो समझ में आती है, लेकिन अनपढ़ लोग जानबूझ कर कि हम कोरोना फैलाएंगे, खुद तो मरेंगे, बम कोरोना बम बनेंगे और पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देंगे, इस लिहाज से अगर बाहर निकले तो इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ जाहिलियत में आता है क्या? ये मैं आपको एक बात बता दूं जी, ये सब जो बातें सामने आ रही हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने बोला है कि वो नर्स, इसका कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो क्लिप हो, कोई उनके इंटरव्यू लिया गया हो, कुछ हो तो आप बताइए। कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां इसमें गढ़ी हैं, ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये लोग हैं, एक बार उस मीडिया डायरेक्ट बात करे, एक बार मीडिया उनके पास जाए, उनका इंटरव्यू ले और उसे पूछे कि आपकी समस्या क्या है, तो कम से कम सही बात सामने निकल के आए। अभी तक किसी मीडिया ने, जितने भी लोग हैं, किसी का वक्तव्य लिया, उनका पक्ष जाना, ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानियां बोली जा रही है कि उन्होंने कपड़े उतार दिए, वो थूक रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे एक बार मीडिया, भारत की मीडिया इतनी बड़ी स्वतंत्र मीडिया है, वो हॉस्पिटल में जाए, उनसे मिले, उनका पक्ष जाने कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आपने ऐसा किया, तो किसी ने देखा तो नहीं। और लोग अनर्गल आरोप लगाकर अपनी राजनीति को दिशा और दशा में ले जा रहे हैं, तो ठीक है, आप ले जाइए,
और हम लोग तो मेरा तो यही पार्टी और कहूंगा कि आप कार्रवाई करें। अगर आपके कैमरे के सामने बोले कि नहीं मैं कोरोना फैलाऊंगा, मैं मुझे मतलब नहीं, मैं इंसानियत नहीं हूं, तो फिर उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। फिर तो मैं कहूंगा कि उनको सजाए मौत दे दी जाए, तुरंत दे दी जाए, लेकिन कम से कम उनका पक्ष तो जाना जाए। बिल्कुल, किसने किसने थोका नर्सों का, एक किसी ने बोल दिया, सारे लोगों ने उसको मान लिया, कम से कम उन लोगों से मिले तो पक्ष तो जाने। बिल्कुल भाई, एक पक्ष की बात सुन के डिसीजन दे देना, मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है आकाश जी, अपनी बात कर लीजिए जल्दी से। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों का मानसिक दिवालियापन दिख रहा है, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो एक्यूज हैं, उनका बयान लिया जाए, विक्टिम की चिंता इनको नहीं है। जो नर्सों ने जो शिकायत किया उसका एसएसपी ने संज्ञान लिया, उसकी जांच की गई, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जो लोग अपनी जान को संकट में डालकर इनकी व्यवस्था कर रहा है, जो इनकी सेवा कर रहा है, वो लोगों को यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये किस प्रकार की मानसिकता है कि ये कह रहे हैं कि एक्यूज लोगों से पूछा जाए? आपको विक्टिम की बातों पे भरोसा नहीं है? किसी ने नहीं रोका। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ कि अपने कैमरे लेके जाए और वहाँ के पहले नर्सों से पूछे कि सत्यता क्या है। आकाश राय जी, उनकी चिंता ये नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से यही उम्मीद थी, वो इसी प्रकार से इन लोगों को डिफेंड करेंगे। आप लोगों ने आज आपने साबित कर दिया कि आप इस तबलीगी जमात के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस और शाम को सोते कहीं ना कहीं आप लोग पर्दे के पीछे से बैकअप कर रहे हैं इन लोगों को। आज के न्यूज के चैनल पे आपने साबित कर दिया, आपने कांग्रेस का नाम लेके लॉकडाउन का आप सही उपयोग कर रहे हैं, तीनों टाइम आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। ठीक है आकाश राजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है राजीव तिवारी, कांग्रेस का नाम लेने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि एक्यूज लोगों से पूछा जाए कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप विक्टिम की बात ही नहीं करेंगे, किस प्रकार की मानसिकता है आप? राजीव, आकाश राय जी, सवाल ये उठता है आकाश जी, मुंबई में जो आतंकवादी पकड़ा गया था और जो उसके खिलाफ जो सरकारी वकील था उसने कहा था कि वो बिरयानी मांगता है, लेकिन जब उसको फांसी हो गई उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने कभी बिरयानी नहीं मांगी थी। तो राजीव द्विवेदी का मामला यही है, वो कह रहे हैं कि भाई सच्चाई तो सामने आए कि आखिर क्या जो नर्सें कह रही हैं हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सामने तो आए लोग, सामने तो सच्चाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो उपलब्ध है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति, हालांकि वो हॉस्पिटल की वीडियो नहीं है, एक पुलिस वैन में एक व्यक्ति को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं और वो पुलिस वालों के ऊपर थूक रहा है, इसकी पूरी वीडियो है। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, के टीवी की बात कर रहा हूँ, जिस चैनल पे हम लोग डिबेट में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए जगदेव जी के पास चलते हैं। जगदेव जी, आप बिल्कुल, मैं भी के न्यूज से अनुरोध करता हूँ, के न्यूज के लोग भी जाएं और इसकी तहकीकात करें, लेकिन मेरा सिर्फ यह कहना है कि एक्यूज से पहले विक्टिम की बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल, सबकी, दोनों लोगों की सुनी जानी चाहिए, विक्टिम की बात पहले सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक्यूज को भी सुनने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जी जगदेव जी, सवाल ये उठता है कि ये मैं सहमत हूँ आकाश की बात तो बिल्कुल ठीक है कि पहले तो विक्टिम की बात सुनी जाएगी ना। देखिए ये कानून प्रक्रिया उसकी होती है, हर एक के बाद चार्ज लगाया, चार्ज बार उसको सफाई का मौका दिया जाता है और इविडेंस के आधार पर कार्रवाई होती है। और ये समाज है, अभी समाज में सुर भी है असुर भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारा समाज खराब है, सारा मजहब खराब है। इसलिए जो व्यक्तिगत गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग जगदेव जी, सवाल ये है कि अगर एक जगह कोई घटना हो, दो जगह कोई घटना हो, इसको जहालियत से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब 25 जगह 50 जगह इस तरह से घटना हो तो इसको तारतम्य, इसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे ना कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। ये कोई बात हो सकती है, कोई खड़े हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल
कार्रवाई इन सब चीजों के लिए आपने ठीक कहा, ये दोनों षड्यंत्र भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। इसके इसके लिए अगर कोई साजिश है, षड्यंत्र है, राष्ट्र के खिलाफ है, विधेयक के खिलाफ कोई है, तो इसके लिए कांटी डिविडेंस हो चीज चाहिए ना। ठीक ठीक है, सत्ता के पास में पूरा सालसा ने इनके बाद इविडेंस कलेक्ट करें और कार्रवाई करें। कार्रवाई करें, कौन मना करता है उसमें? लेकिन इसका एक मतलब नहीं है कि एक 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 व्यक्ति हुआ तो पूरा सब सवाल नहीं हो जाएगा। अच्छे भी है, बोले भी, हमने कहा सूर असूर दोनों होते हैं, जो इसीलिए ये समाज बना है उसीलिए है। जो गलत है गलत है, उनकी पहचान करिए, उनके खिलाफ विभिन्न करिए, कार्रवाई करिए। ठीक है, अगर उसे समर्थन दे तो गलत है वो। ठीक है, इरफान पहले समय कम है, जगदेव जी समय समाप्त हो रहा है, परिवार के लोग। इरफान मलिक जी, आप चलते चलते ये बता दीजिए कि जगदेव जी को भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र का खुलासा कौन करेगा, कैसे करेगा, हम लोग की भी जिम्मेदारी। ये षड्यंत्र चला है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं ISI का हाथ तो नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आकाश राय जी, आपको जांच से किसने रोका है? अगर ये षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ, तो देश के देशद्रोहियों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। सवाल ये उठ रहा है कि कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, रासुका उन पे लगाई जा रही जिन है। लोगों ने थूका था, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर थूका था उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने नर्सों से अभद्रता की थी उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रदीप जी, कल वहाँ के SSP का बयान भी आया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना हो रही है और उनके ऊपर रासुका भी लगाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से, कि वो हमारी अगर बात नहीं सुन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं सुन सकते हैं, तो कम से कम अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की बात सुने। ठीक है, रात इंदौरी ने जो कहा उनकी बात सुने। ठीक है, उसके अलावा बहुत शुक्रिया, सलाना आजमी ने जो बात कहा उनकी बात सुने। ठीक है, जावेद अख्तर बहुत शुक्रिया, उनकी बात सुने। जावेद अख्तर मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास नहीं था। मस्जिदें बंद हो सकती है, यहाँ ही बंद हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद आकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव द्विवेदी जी, आपका भी, और जगदेव सिंह यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही निकल के आ रहा कि अगर जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का मामला है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने NSA लगाने का ऐलान कर दिया है और 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है, लेकिन केंद्र की सरकार को इस पर कोई बड़ा फैसला लेना होगा और ऐसे जाहिलियतों के खिलाफ में, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ में बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए K News India।